चलो हम कंटिन्यू करते हैं ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एयर मासेस। फिर करें जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, सिस्टम किससे बना होता है? बहुत से रास्ते से बना होता है, जहाँ पे एयर होती है, जहाँ पर एयर होती है, जैसे एयर पासेस एंड द लंग, यानी एयर जहाँ नाक से होती जाती है और लंग्स को मिलाकर जो भी सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से हमारी एयर पास होती है? नोज, आप जानते हो। फेरिनिक्स पता नहीं सर क्या होता है, लेरिनिक्स पता नहीं क्या होता है, ट्रेचिया पता नहीं क्या होता है, ब्रॉन्ची क्या होता है पता नहीं, लंग्स पता है। दो चीज़ आपको पता है, चार चीज़ आपको नहीं पता, पढ़ेंगे उनके बारे में बेसिकली। ये ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। नोज़ के बारे में पढ़ते हैं, नोज़ क्या होती है? नोज़ का एक एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होता है, जो बॉडी के अंदर ही बॉडी के बाहर होता है। तो एक्सटर्नल पार्ट है ऑफ द नोज़, ये द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज़ इज बियर टू नोज़ नोस्टिल्स। देखते हैं नोज़ के दो पार्ट होते हैं जिसको नोस्टिल्स बोला जाता है, सेपरेट वाया कार्टिलेजिनियस सेप्टम। बीच में जो लाइन होती है, तो बीच में जो वॉल होती है बेसिकली नोज के बीच में, जो वो दो सेगमेंट बनाती है बेसिकली, उस वॉल को बोलते हैं, उस वॉल को बोलते हैं कार्टिलेजिनियस सेप्टम, है ना। द हेयर्स प्रेजेंट द नोस्टल्स प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। पता ही होगा आपको बचपन से ही ना। द टू नोस्टल्स ओपन इन टू अ पेयर ऑफ नसल चैम्बर्स, बिकॉज जो दोनों नोस्टल्स होते हैं एक चैम्बर्स में जाकर ओपन होते हैं बेसिकली। द इनर लाइनिंग ऑफ द नसल चैम्बर्स परफॉर्म थ्री फंक्शन, और जो इनर लाइनिंग जो होती है बेसिकली नसल चैम्बर्स की, वो तीन तरीके काम करते हैं। कौन कौन से? हमारी बॉडी में जो एयर जाती है उसको थोड़ा वार्म करती है, ठीक है, थोड़ा उसको मॉइस्चर करती है, थोड़ा उसको गीला करती है, एंड इट्स अ मोकस सेक्रेशन एंटर द हार्मफुल पार्टिकल, और जो थोड़े बहुत हार्मफुल पार्टिकल होते हैं उसको पकड़ देती है, उसको पकड़ देती है। सो ऑलवेज ब्रीद थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ, तो इसलिए कभी माउथ ओपन करके ब्रीद मत करो, नोज थ्रू करो, क्योंकि नोज के बेनिफिट होते हैं, नोज में सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, ऑब्वियसली ये बात कहना बचा रहा है। एन एडिशनल फंक्शन ऑफ द नोज इज टू स्मेल, और दूसरा जो एडिशनल पर्पज फंक्शन होता है नोज का वो होता है स्मेल करना। द सेंसरी सेल्स ऑफ स्मेल आर लोकेटेड इन अ स्पेशल पॉकेट सिचुएटेड हाई अप इन द नसल चैम्बर्स। बेसिकली पूरे नोज के पार्ट नहीं होता, नोज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो एक छोटा सा पार्ट होता है बेसिकली जो ये स्मेल वाला काम करता है, जो ये स्मेल वाला काम करता है। व्हेन यू स्मेल समथिंग स्पेशल यू गिव अ लिटिल स्निफ विच कैरीज द ऑर्डर अप इनटू दिस पॉकेट। बेसिकली कह रहे हैं हमारे जो नसल चैम्बर होते हैं ना, वो नसल चैम्बर्स में एक स्पेशल पॉकेट होती है, छोटी सी एक स्पेशल जगह होती है जो कि थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, तो जब वहाँ पर जब कोई स्पेशल जब कोई स्मेल जाती है, जब वहाँ पर कोई स्मेल जाती है तब जाकर हमें वो सेंस होती है, ठीक है। डज द नोज हेल्प इन स्पीकिंग, ओहो ये तो पता नहीं बच्चे ने बोला होगा। क्या है, क्लोज योर नोज बाय योर फिंगर, अपने नोज को अपने फिंगर से क्लोज करो एंड ट्राई टू स्पीक नाना जी। तो क्या चीज़ों को ट्राई करके देखो, देखो आपके वर्ड चेंज होते नहीं होते हैं, तो आपको पता चला कि यहाँ चेंज होते हैं तो इसका फर्क पड़ता है। यहाँ तो पढ़ा बहुत ईजी था, मैं भी इसको ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है ना। क्या कह रहा है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो भी थोड़ा बहुत ईजी था, न्यूज़ तो मैं पढ़ा हुआ है, न्यूज़ पे होती है हम जानते हैं अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं फेरिनिक्स, जो नया है आपके लिए बेसिकली। फेरिनिक्स द नसल चैम्बर्स ओपन एट द बैक, ओपन एट द बैक नसल चैम्बर जब जहाँ पीछे की तरफ खुलते हैं एट अ वाइड कैविटी, जहाँ पर बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ पर बेसिकली फेरिनिक्स होता है, वहाँ पर बेसिकली फेरिनिक्स होता है एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के बिल्कुल बैक में, माउथ के बेसिकली बैक में, यानी कि हमारी नोज का
जो एरिया जाकर हमारे माउथ में मिलता है, तो उस कॉर्नर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? फेरिनिक्स। उसको क्या बोलते हैं? फेरिनिक्स। दीज आर कॉमन पासेस फॉर एयर एंड फूड। ये वो जगह है जहाँ पे एयर और फूड दोनों मिलती हैं, यानी कि ये बेसिकली गले के ऊपर वाला, थ्रॉट के ऊपर वाला एरिया हो गया, ठीक है। इट लीड्स इन टू एयर ट्यूब। ये एयर ट्यूब की तरफ जाती है, द ट्रेचिया, ट्रेचिया की तरफ भी जाती है, एंड द फ्लू ट्यूब, और फ्लू फूड ट्यूब की तरफ भी जाती है। लोकेटेड डोर्सली बिहाइंड द ट्रेचिया, जो कि बेसिकली वो ट्रेचिया के पीछे ही होता है। व्हेन नॉट इन यूज द फूड ट्यूब इज पार्टिकल पार्शियली कोलेप्स एज इट हैज अ सॉफ्ट वॉल। वो कह रहे हैं जब सब कोई यूज़ नहीं होता, जब सब कोई यूज़ नहीं होता तो फूड ट्यूब जो है वो पार्शियली कोलेप्स हो जाता है, आधा खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की सॉफ्ट वॉल्स होती हैं। द एंट्रेंस टू ट्रेचिया इज गार्डेड बाई अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। वो कह रहे हैं जो एंट्रेंस जो होती है बेसिकली ट्रेचिया के, उसको हम एक फ्लैप से गार्ड करके रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। विच क्लोजेज इट एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग फूड। जब आप खाना स्वेलो करते हो तब इसको क्लोज कर देता है। इन कम्प्लीट क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग कॉज कफ। अगर आपका एपिग्लोटिस क्लोज नहीं हुआ और आप खाना स्वेल कर रहे हो तो आपको कफ हो सकता है, आपको कफ हो सकता है। द लारिंक्स, द लेरिनिक्स, सॉरी द लेरिनिक्स, द लेरिनिक्स ऑफ द वॉइस बॉक्स। ओ हो, सब कुछ तो समझ में आया इससे। इससे सर वॉइस बनती है क्या? क्या लिखा हुआ है? द लेरिनिक्स और द वॉइस बॉक्स, पॉपुलरली कॉल्ड एडम्स एप्पल, इज अ हॉलो कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप। यू कैन फील इट विद योर फिंगर द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक व्हेन यू स्वेलो समथिंग, दिस पार्ट राइज एंड फॉल्स। वो कह रहा है ये वो वाला पार्ट होता है जो आप फिंगर लगाकर भी चेक कर सकते हो, स्वेलो करते हो तो यहाँ पे से कुछ आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लैरिंजेक्स। ये क्या करता है बेसिकली? वो कह रहे ये एक वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल ही बोलते हैं। ये एक खोखला सा कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके विंड पाइप के बिल्कुल स्टार्ट में होता है, ठीक है। When you swallow something, this part rises and falls. जब आप कोई चीज़ स्वेलो करते हो ये पार्ट थोड़ा उठता है और बाद में गिर जाता है। द लेरिनिक्स कंटेंस टू लिगामेंट्स फूल। दो लिगामेंट यहाँ पर होते हैं, पहले को बोलते हैं, अच्छा दोनों के हम बोलते हैं वोकल कोर्ड। दोनों के हम क्या बोलते हैं? वोकल कोर्ड, जो कि फिगर में दिखाई नहीं गई है। एयर एक्सपेल्ड फोर्सिवली थ्रू द वोकल कोर्ड वाइब्रेट्स देम, वाइब्रेट देम प्रोड्यूसिंग साउंड। वो कह रहे हैं जो एयर जब एक्सपेल करते हैं, जानबूझकर निकालते हैं फोर्स वाली दम कर थ्रू द वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड से होकर जाती है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और एक वाइब्रेटिंग वाला और एक साउंड प्रोड्यूस होता है उसके से। बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर एडजस्ट कर दो, एंड देयर टेंशन बाय मीन्स ऑफ अटैच्ड मसल्स, और उनके बीच की टेंशन खत्म कर दो, अ रेंज ऑफ साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस। और बहुत तरह तरह की साउंड क्या हो सकती है? प्रोड्यूस हो सकती है। नहीं आता कोई दिक्कत? हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है बहुत सारी चीज़ में? अगर आपने पढ़ा नहीं है बुक में तो मेरे को बिना पढ़े बताने की कोशिश करो, अगर आपने पढ़ लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप वीडियो पॉज करके तो दिमाग लगाने की कोशिश करो। आई थिंक आपने लगा लिया होगा, ठीक है। तो वॉइस क्या है? वॉइस सिंपली होता है साउंड, बहुत सिंपली होता है साउंड। स्पीच क्या है? स्पीच मतलब इस वॉइस को कुछ ना कुछ तो नाम दोगे, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी दोगे, उस आइडेंटिटी को बोलते हैं बेसिकली स्पीच। उस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं बेसिकली? स्पीच। वॉइस इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई द वोकल कॉर्ड, जो हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं वॉइस। लेकिन स्पीच क्या है? स्पीच एक कैरेक्टर है जो हम देते हैं किसी वॉइस को, कि आवाज़ है उस आवाज़ को हम क्या नाम देते हैं? सा रे गा मा पा,
हर तरह के साउंड को कुछ ना कुछ नाम दे दिया। तो ये नाम, इस नाम को हम स्पीच बोलते हैं, ठीक है। बाय कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, तुम अपने तुम लिप्स को हिलाकर जब देते हो, चीक्स, टंग, जॉज, जब बोलते सब कुछ चलता है ना, तो वो उसको हम स्पीच बोलते हैं। स्पीच के अंदर कुछ होता है, स्पीच के अंदर वर्ड्स होते हैं, सेलेबल्स होते हैं। सिलेबस नहीं आपके स्कूल का, सेलेबल्स है ना। इट इज़ अ स्पेसिफिकली वो स्पेशलिटी ऑफ ओनली द ह्यूमन स्पीसीज। ये स्पेशलिटी के ह्यूमन स्पीसीज के अंदर ही है। हमने तो तीन पार्ट पढ़ लिया, आई थिंक वो तीन पार्ट हमने पढ़ लिए। नोज है ना, कोई फेरिनिक्स था, एक लेरिनिक्स था, ठीक है। नोज हो गया, फेरिनिक्स हो गया, लेरिनिक्स हो गया। अबाउट एच आप है, द ट्रेचिया और द विंड पाइप एमर्जेस फ्रॉम द लैरिंजेस। बोलते हैं ट्रेचिया बेसिकली क्या होता है, ट्रेचिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये लैरिंजेस से ही एमर्ज होता है, लैरिंजेस से ही एमर्ज होता है, डाउन डाउन दी नेक, और जो नेक की तरफ जाता है बेसिकली। वेयर इट इज पार्टली कवर्ड बाई द थायरॉयड ग्लैंड, जहाँ पर ये आधा, जहाँ पर ये थोड़ा सा थायरॉयड ग्लैंड से क्या होता है, कवर्ड होता है। इट्स वॉल्स आर स्ट्रेंथेंड बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसकी जो वॉल्स होती हैं उसको मजबूती दी जाती है बस सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सी शेप में रिंग होती है कार्टिलेज की बनी हुई, तो उसको क्या मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है। द इनकम्प्लीट पार्ट्स ऑफ द रिंग्स, वो सारी बैक साइड होती हैं। द रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कीप द स्ट्रक्चर डिस्टेंडेड एंड परमानेंटली। बेसिकली एक तो पहले यहाँ पे वर्ड लिख दो, डिस्टेंडेड, इसका मीनिंग पता होगा। लिया द रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, तो पहले बात कह रहे हैं जो रिंग होती है, रिंग वो इनको क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। एंड कीप द ट्रेचर डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड मतलब आप कह सकते हो उसको तानना, तानना पता, तानना क्या होता है, फुलाना वो लिख लो, और वो कुछ टाइम के लिए फुलाने के लिए हेल्प देता है, सपोर्ट देता है बेसिकली। फिफ्थ पार्ट द ब्रॉन्ची, द ब्रॉन्ची क्लोज टू द लंग्स, लंग्स के पास ट्रेचिया, जो ट्रेचिया होता है वो क्या अगर डिवाइड इनटू टू ट्यूब, वो ट्रेचिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची। अगर सिंगुलर को, या ये तो दो है तो दो को तो ब्रॉन्ची बोलते हैं, अगर सिंगुलर एक ब्रॉन्ची को क्या बोलेगा, एक ब्रॉन्ची को ब्रॉन्ची नहीं बोलेगा, उसको ब्रॉन्चस बोला जाएगा, उसको ब्रॉन्चस बोला जाएगा। विच एंटर द रेस्पेक्टिव लंग्स, जो दोनों के दोनों होते हैं, दोनों अलग अलग लंग्स में चले जाते हैं। दो ब्रॉन्चस होते हैं, इसको ब्रॉन्च होते हैं, दोनों एक एक लंग में चले जाते हैं। ऑन एंटरिंग द लंग्स, जब वो लंग्स को एंटर करते हैं, ईच ब्रॉन्चस डिवाइड्स इंटू फाइन सेकेंडरी ब्रॉन्ची, वो फर्दर दूसरे ब्रॉन्च में डिवाइड हो जाते हैं, विच फर्दर डिवाइड इंटू स्टिल फाइनर टर्सरी ब्रॉन्ची, जो और बाद में डिवाइड होकर टर्सरी ब्रॉन्च में चेंज हो जाते हैं। द कार्टिलेज जीनियस रिंग्स एज दोज प्रेजेंट ऑन द ट्रेचिया आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस स्मॉलर ब्रांचेस टू कीप देम डिस्टेंडेड। वो कह रहे हैं जो कार्टिलेजिनस रिंग आपके ट्रेचिया में प्रेजेंट होती हैं, वो छोटी छोटी ब्रांच में भी प्रेजेंट होती हैं, ताकि उनको डिस्टेंडेड रख सके। ब्रांची ऑल्सो आर द सब्सिक्वेंट स्टिल फाइनर ट्यूब्स ऑफ द टर्सरी ब्रांचेस, वो टर्सरी ब्रांच मिलकर फिर फर्दर ब्रांची ऑल्सो बनाती हैं, जो और फाइनर ट्यूब है, विच एक्वायर डायमीटर ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर, जिनका एरिया बिल्कुल सर्कल के सेम में डायमीटर बोलते हैं, जिनका डायमीटर कम से लगभग 1 मिलीमीटर का होता है, एंड आर विदाउट कार्टिलेज रिंग्स, और जो बिना कार्टिलेज रिंग्स के होते हैं। बाय रिपीटेड ब्रांचिंग द ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली एंड इन अ क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर चैम्बर्स। फिर जो ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकियोल्स भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये फर्दर और नई नई चीज़ें बनाने लगते हैं। तो ये जो चेंज होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एयर चैम्बर्स का ग्रुप बना लेते हैं ये, जिसको एयर सैक्स बोलते हैं, या फिर एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। तो एल्वियोली को सिंगुलर में क्या बोलते हैं, ये नाम आपको जरूरी है जानना। एस ए एन जी का मतलब सिंगुलर नाम बोल रहा है, सिंगुलर का नाम क्या होता है, एल्वेलियस, एल्वेलियस है ना।
नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंड द वॉल ऑफ ईच एल्वियोलस एल्वियोलस वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कैपिलरीज का ग्रुप बेसिकली क्या करता है एल्वियोलस का वॉल को होता है उसको क्या करें सराउंड करके रखता है। द वॉल ऑफ द एल्वियोली एक्सट्रीमली थिन इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है एंड मॉइस्चर काफ़ी घिली भी होती है दस अलाउिंग गैसेज डिफ्यूजन थ्रू देम और इसी वजह से उनके अंदर क्या होता है गैसेज डिफ्यूजन होता रहता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फर्स्ट डिजॉल्व इन दी इन अ थिन लेयर ऑफ वाटर जो ऑक्सीजन होती है वो सबसे पहले तो किसमें डिजॉल्व हो जाती है वाटर की पहली लेयर में डिजॉल्व हो जाती है बाहर वाटर की लेयर में डिजॉल्व हो जाती है दैट कवर दिस सरफेस ऑफ एल्वियोली एल्वियोली जो क्या करती है एल्वियोली का सरफेस कवर करती है। सारे ऑर्गन्स हो गए क्या एक को छोड़कर नेत्र लंग्स को छोड़कर द लंग्स प्रोवाइड एन एनॉर्मस सरफेस एरिया। ओहो यहाँ पर लंग्स की बात शुरू हो गई। ओके लंग्स जो होते हैं वो बहुत करते बेसिकली करते बेसिकली द नंबर ऑफ एल्वियोली इन द टू लंग्स इन एन एडल्ट ह्यूमन अबाउट 700 मिलियन। ओके यानी इसका मतलब क्या हो गया 7 करोड़ लैक्स 7 करोड़ लैक्स पूरे को बोलेंगे 7 करोड़ लैक्स 7 करोड़ लैक्स 7 करोड़ लेंथ से होते हैं एल्वियोली होते हैं अगर किसी एडल्ट ह्यूमन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोली कम से कम कितना अच्छा होता है 70 स्क्वायर मीटर ओनली नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ टेनिस कोर्ट। और ये 70 स्क्वायर मीटर कितना होता है टेनिस कोर्ट के एरिया कितना होता है और हमारे स्किन के 100 टाइम्स के बराबर होता है। प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पासेस के अंदर जो प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग होती है उसके बारे में बता रहे हैं द एंटायर इनर लाइनिंग ऑफ द लार्निक्स ट्रेचिया ब्रॉन्चे ब्रॉन्चियोल्स इज फॉर्म्ड ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम ये एक लेयर होती है उससे बनी हुई होती है बेसिकली ड्यूरिंग लाइफ टाइम द सीलिया आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन अपने पूरी लाइफ टाइम में सीलिया क्या रहता है मोशन में रहता है। इन मोशन ड्यूरिंग एनी फ्लूइड अगर कोई है ना चाहे कोई पानी की कमी हो दैट इज ऑन देम अगर उसके ऊपर कोई फ्लूड गिर भी रहा है ना एंड ऑल्सो एनी पार्टिकल दैट मे हैव कम इन द एयर टूवर्ड हिज द माउथ अगर कोई माउथ में कोई कोई टाइनी पार्टिकल भी आ चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं इन चीज़ों को भी क्या करते हैं थोड़ा साफ रखते हैं थोड़ा दूर रखते हैं। लंग्स तक ही पढ़ते हैं लंग्स के बाद नहीं पढ़ रहे हैं ना आज का तारीख है आपकी 18 नहीं 20 को ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका है ना।